है उससे 10 फीट की दूरी पे एक गड्ढा खुदवाना चालू कीजिए, और वो हमको गड्ढा उतना ही गहरा चाहिए जिस गहरे पे बच्चा फंसा हुआ है। तो बच्चा चूंकि 60 फीट में था, और इसलिए जो है 60 फीट गहराई का गड्ढा वहाँ खोदना चालू हो गया। 60 फीट गड्ढा खोदने के लिए आप लोग समझ सकते हैं कि जो बड़ी मशीनें थी उनको उतरने के लिए एक रैम बनाना पड़ता है, तो वो रैम बनाना और गड्ढे को खोदना ये काम वहाँ पर चालू हो गए थे। हमारी टीम भिलाई में, एक टीम हमारी स्टेशन रहती है लगातार, जब वो भिलाई से टीम वहाँ पहुँची, उन्होंने पहुँच के वहाँ पर हालात का जायजा लिया, और हमको ये समझ में आया कि वहाँ पर बच्चा दिव्यांग है, और घर में जो है छोटे भाई से जिसका नाम ऋषभ था और जो उसकी दादी थी उनसे ज़्यादा अटैच था, तो हमने उन बोला कि उनसे बच्चे की बात करवाइए ताकि बच्चे को एक इमोशनल सपोर्ट मिले। बच्चे को सबसे ज़रूरी होता है किसी भी ऑपरेशन में, जब भी इस तरीके का कोई क्रिटिकल ऑपरेशन होता है जिसमें किसी की जान फंसी हुई है, किसी क्लोज इन्वायरमेंट में, किसी भी कंडीशन में जहाँ पे उसकी जान को खतरा है, सबसे ज़रूरी होता है उसको ये होप देना, ये उम्मीद देना कि आप जिंदा बचे रहोगे, आपको हम जिंदा निकाल लेंगे, ये होप देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसको ये होप नहीं होगी तो कोई भी आदमी होप छोड़ देगा तो अपनी सांसें छोड़ देगा। जब उसकी दादी और बच्चों ने बात, छोटे भाई ने बात करना चालू किया, उसको कई तरीके से वो लोग अपनी भाषा में बात करते थे, खाई बो जाई बो चल बो, है ना, इस तरीके से उनका अपना जो स्थानीय बच्चा जो उसके अपने थे उससे बात करता था, तो केला खा लो, केला खा ले, तो इस तरीके से फिर हम लोग जो है बच्चे को खाना खिलाने की कोशिश किए। वहाँ पहुँचने के बाद तो पता चला कि बच्चा केला पसंद करता था, हमने जो है उसको केला दिए, बच्चे ने केला खाया भी, एक बार में एक दो केला खाता था, फिर उसके बाद नहीं खाता था। फिर हमने बच्चे को फ्रूटी दिया, कुछ हमने बोला कुछ लिक्विड दिया जाए उसको, तो बच्चे को फ्रूटी दिया गया तो बच्चे ने फ्रूटी पिया, अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत अच्छा लगा क्योंकि बच्चा जैसे कुछ खाता पीता था तो हम लोगों को रिलैक्स मिलता था, बच्चा सुरक्षित सही है, खा पी रहा है सही है। फिर हमने जो है हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम लोग क्यों ने जो है इसको, बच्चा काफ़ी समय से नीचे है, मिनरल्स की कमी हुई होगी, ओआरएस घोल दिया जाए। हमने उसको बोतल में ओआरएस घोल दिया तो उसने नहीं पिया। फिर हम लोगों ने उसको फ्रूटी का जो डिब्बा होता है उसमें से फ्रूटी निकाल के ओआरएस घोल डाल के उसको पाइप वगैरह बाकायदा लगा के रस्सी में, जालीदार रस्सी में लटकाया ऐसे कि उसको फ्रूटी खूब अच्छे से दिखे, अगर नहीं दिखेगी तो नहीं लेता, तो उसको हमने नीचे दिया तो उसने जो है ओआरएस घोल को पिया, बहुत अच्छा लगा, चलो ठीक। फिर उसी बाद हम उसको कभी फ्रूटी देते थे, हर बार ऐसा नहीं कि ओआरएस घोल ही देते थे, कि ओआरएस घोल भी पीना छोड़ दे, तो कभी फ्रूटी देते थे कभी ओआरएस घोल देते थे। ये सब प्रक्रिया एक तरफ चल रही थी, एक टीम जो हमारी जो इस सब चीज़ों को कर रही थी, दूसरी टीम हमारी जो थी जो वे डिसाइड कर रहे थे कि बच्चे को बोरवेल से निकालने के लिए हम किस तरीके का इम्प्रोवाइज्ड अप्रोच अप्लाई करें, कैसे बच्चे को उठाया जाए। बच्चा दिव्यांग था इसलिए जो सुनता जो है ना वो कम था, बोलता बहुत कम था। अब उस जब बच्चे उसके छोटे भाई से हमने बहुत बात किया, उसके छोटे भाई और एक उसकी चचेरी बहन थी, हमने उसके साथ काफ़ी डिस्कशन किए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उस बच्चे की मनोवृत्ति समझी जा सके। इस बच्चे इसका भाई है तो इसके जो बातचीत करने का तरीका होगा, इसके पसंद नापसंद, भाई बहन के आपस में काफ़ी मिलते रहते हैं, इस चीज़ों को हमने वहाँ पर काफ़ी समझने की कोशिश की। तो बच्चे से बातचीत दौरान पता चला कि बच्चे का हाथ जो है ना वो इस लेवल से उठता नहीं था, इस तरीके से ही वो हाथ रखता था। उसी से छोटे भाई से ही बातचीत दौरान पता चला कि बच्चे की उंगलियाँ पूरी तरीके से नहीं खुलती थी, तो अब लगा कि अगर बच्चा के हाथ नहीं उठता है तो रस्से को हमारे जो हम जो उसको लूप दे रहे थे ना वो पकड़ नहीं सकता था, और अगर वो लूप पकड़ लेता तो हम उसको उठाने की कोशिश करते, क्योंकि बच्चा लूप नहीं पकड़ सकता तो हम बच्चे को उठा नहीं सकते थे। और साथ ही साथ जो है वहाँ पे जो हाथ अगर गर्दन के ऊपर नहीं आ रहा है तो आप समझिए कि किसी भी आदमी को सबसे पहले खड़े पोजिशन में अगर आप ऊपर से देखते सबसे पहले गर्दन मिलती है, अगर हम कोई लूप देते तो सबसे पहले उसकी गर्दन आती, हाथ नहीं ला रहा है बच्चा ऊपर, तो जो हमारा लूप थे, जो हमारे हार्नेस थे, जो हमारे इक्विपमेंट थे, गर्दन पे चोट पहुंचा सकते थे, इस बात का वहाँ पे डर था। इसलिए हम जो है अप्लाई करने से पहले बहुत सोच रहे थे। अब बात बात में पता चला बच्चा हाथ ही नहीं उठा रहा, हमने वो हार्नेस छोड़ने डालने बंद कर दिए, क्योंकि हो सकता था कि हार्नेस हमारे गर्दन में चले जाए और बच्चे को नुकसान पहुँच जाए, इसलिए हमने वो टेक्निक हमने छोड़ दिया। हमने कहा अब इसको हम नहीं अप्लाई करेंगे, बच्चे की जान खतरा हो सकता है, और इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद जो पैरेलल डिगिंग चल रही थी वो कंटिन्यू हमने बोला जो मशीनें थी वो 240 कैपेसिटी की जो है JCB थी, पोकलैंड थी, हमने बोला नहीं इससे नहीं, इससे बड़ी मशीन मंगवाई जाए। जो फिर तत्काल जिला प्रशासन ने उन मशीनों को मदद उपलब्ध कराया, जिला प्रशासन का वहाँ पे सहयोग बहुत था, उन्होंने हम जिस जो चीज़ों की उनसे हम बताते थे रिक्वायरमेंट वो तत्काल वहाँ पे उसको उपलब्ध कराने की कोशिश करते थे। वहाँ पे जो है फिर एक 360 JCB आती है पोकलैंड में आती है, उसको मंगाया गया, खुदाई में स्पीड लाई गई, और वहाँ पे हम जब लगभग 58 फीट पहुँचे थे तो नीचे एक बहुत बड़ी चट्टान थी, पूरी तरीके से पैक किए हुए थी, बोरवेल के पास जैसे उसने कसम खा के बैठी थी कि हमको टनल तक बोरवेल के पास जाने ही न देगी। तो हमने जो राग ब्रेकर होते हैं JCB में उसको फिर सेट करवाया, फिर उसको राग ब्रेकर उतारा तोड़ने के लिए, तो राग ब्रेकर तोड़ते तोड़ते उसकी जो चिसिल होती है ना भारी से आप लोगों ने देखा वो टूट गई, पत्थर नहीं टूट रहे थे। फिर मुश्किल आई, हमने दूसरा राग ब्रेकर भेजा क्योंकि बगैर उस पत्थर तोड़े हमको पता था कि सफलता नहीं मिलने वाली,
और रॉक चट्टान काफ़ी भारी, मुझे लगता है कि 25 फीट के आसपास उसकी टोटल जो है रहा होगा। दोबारा भी जब नहीं टूटी तो हमने बोला ठीक है, अब इसमें टाइम वेस्ट करना नहीं है। हम बच्चा जो है जो 60 फीट पे है, 62 फीट के आसपास हमको मिल रहा था, तो हमने बोला हम 58 फीट से अप्रोच लेंगे। तो हमने जब अप्रोच लेना चालू किया तो हमको स्पेस बनाने में हमने जो हमको 57 ही मिला, मतलब कुछ वहाँ पे ऐसा नहीं कि जगह बनाने में मशीनों को डिप्लॉय करने के लिए हमको कुछ जगह चाहिए होती है, तो हमने 57 से ही अप्रोच लिया। और फिर वहाँ पे हमने बच्चे के पास हमने डिसाइड किया कि बच्चा 60 पे है तो हम टनल को धीरे 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 डाउन करते चले जाएंगे ताकि बच्चे के पास पहुँच जाए उठाने के लिए। फिर हमने यह अप्लाई किया, फिर हमने थोड़ा सा लगभग 2 फीट हमने वहाँ पे मिट्टी थी, 2 फीट मिट्टी निकाली, उसके बाद वहाँ सामने एक मोटी चट्टान खड़ी हुई थी। और उसके बाद फिर वहाँ पे चट्टानों को देख के पता चला कि ये डोलोमाइट रॉक्स थी। डोलोमाइट रॉक्स काफ़ी कठोर होती है, काफ़ी कड़ी चट्टान होती है, और उससे भी एक उसकी जो पिकुलर स्पेशलिटी होती है कि जब वो सूखी रहती है, ड्राई रहती है, तो थोड़ी वीक होती है। अगर उसको पानी मिलता है, पानी से अगर उसमें जैसे सीमेंट को आप पानी दे देते हैं मजबूत हो जाती है, तो उसी तरीके से उसकी टेंडेंसी है, पानी अगर उसको मिलता है बहुत कड़ी हो जाती है। हमने जो हमारे इक्विपमेंट से हम लोग उसे तोड़ रहे थे, लगाए से नहीं टूट पाएंगे, बड़े हमको इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे। बड़े इक्विपमेंट लगाने में जो सबसे बड़ी समस्या थी कि बोरवेल में पाइप नहीं डाली गई थी, जो बोरवेल था उसमें पाइप नहीं डाली गई थी। और सबसे ताज्जुब की बात, उस जगह पे उसी एरिया में 3 बोरवेल बनाए गए थे, तीनों खुले छोड़ दिए गए थे, जिसमें से एक में बच्चा गिरा, उसके 10 फीट बगल में दूसरा वेल था, लगभग 20 फीट आगे तीसरा वेल था, जो खुदाई के दौरान पूरी तरीके से उखड़ के समाप्त हो गया। और उसमें पाइप भी नहीं डाली थी, तो जब अगर हम बड़ी मशीनें लगाते हैं तो बड़ी मशीनें में वाइब्रेशन होता है, एक तो वाइब्रेशन होता है, दूसरी समस्या क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी हॉरिजॉन्टल डिगिंग करने के लिए कोई मशीन नहीं बनाई गई है, सारी मशीनें बनाई गई हैं वर्टिकल डिगिंग करने के लिए, ऊपर से नीचे जाने के लिए। तो क्या करते हैं मशीनों की सिस्टम होता है कि एक जगह वो प्रेशर बनाता है, दबाता है, फिर वो हैमरिंग करके वहाँ पे एक छोटी सी कैविटी बनाता है ताकि उसका जो इक्विपमेंट होता है चिसल होती है उसमें सेट हो सके, फिर वो नीचे हैमरिंग करते चला जाता है और काम होता रहता है। अब ये एक तो इस तरीके से उसमें उस टनल में मशीन जो ऊपर खड़ी होकर नीचे खुदाई करती है, उसको जो है हम नीचे खड़ा करके सामने कैसे खुदाई करवाएं, ये बड़ी समस्या थी। फिर हम लोगों ने वहाँ पर जगह बनाया, सब कुछ एडजस्ट किया, एक जो है वैगन करियर है था, एक अल्टीमेट वही था इक्विपमेंट जो काम कर सकता था, लेकिन उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता था। और वाइब्रेशन ज़्यादा था तो उस टनल जैसा नहीं था, पाइप नहीं लगी थी तो मिट्टी गिर सकती थी, बच्चे को चोट आ सकती थी, एक बात। दूसरी बात, अगर मलबा गिरेगा तो जो पानी था बोरवेल में, जो पानी था उसका लेवल बढ़ जाता तो बच्चे को सांस लेने में समस्या आ सकती थी। और ये चीज़ कई बार हुआ, बोरवेल में पानी बढ़ता था तो हम लोग तुरंत जो है जिला प्रशासन को बता के गाँव के जितने बोरवेल थे सारे चलावा रखे थे, कोई भी जो है बोरवेल बंद नहीं करने दिए, जितने भी सबमर्सिबल पंप थे सारे ऑन कर रखे थे ताकि किसी भी तरीके से टनल में पानी न बढ़ने पाए। साथ ही साथ वहाँ पे जो है जो हमारी टीम ऊपर लगी हुई थी वो जो है एक छोटा सा डल्लू बांध के रस्सी में डालती रहती थी और पानी निकालती रहती थी ताकि जो है किसी भी प्रकार से पानी न बढ़ने पाए। ये सबसे आप इसमें ऑपरेशन में जो दूसरी सबसे बड़ी जो है एकदम स्पेशलिटी पिक्योरिटी मिली, अभी तक हमको नहीं मिली थी, बोरवेल से लगी हुई एक कैविटी थी, मतलब इस तरीके से बोरवेल सीधा रहता है, नीचे जाने के बाद 60 फीट बाद इस तरीके से बोरवेल टिल्ट हो गया था इस तरीके से, और बच्चा यहाँ चला गया था। तो पहले जब बच्चा जब तक थका नहीं था इधर सामने आके खाने पीने के कुछ सामान ले लेता था, पानी जो हम बेचते थे या जूस बेचते थे ले लेता था, लेकिन जब बच्चा थक गया तो जाके उस कैविटी में लेट गया, और जब लेट गया तो उसने पानी भी लेना बंद कर दिया, खाना भी लेना बंद कर दिया। यहाँ से हमारी टीम की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और यहीं से जो है लगातार लगभग जो है हमने हमारी टीम ने लगभग सबने बच्चे से इतना हम लोग इमोशनली अटैच हो चुके थे, हर बार उसकी सांस गिनते गिनते हम लोग फील करने लगे थे उसकी सांसों को। फिर हमारी टीम ने भी लगभग लगभग सबने खाना छोड़ ही दिया था, और फिर लास्ट के जो 72 आवर में हमने जो 104 के जो 72 लास्ट लेग था उसमें हमारी टीम में से किसी ने सोया भी नहीं, लगातार हम लोग जगते रहे सिर्फ इसलिए कि एक भी सेकेंड काम रुकने न पाए। और वहाँ पे काम इतना टेक्निकल हो चुका था कि अगर एक टीम जब बड़ी मशीनों का वाइब्रेशन मॉनिटर करने के लिए हमने नीचे हम खुद नीचे वहाँ पे रुक के देख के वाइब्रेशन देखते थे, रॉक्स में कितने वाइब्रेशन शिफ्ट हो रहा है, मशीन का वाइब्रेशन कितना है, टनल में जो सॉरी बोरवेल में वाइब्रेशन कितना आ रहा है, पानी में हलचल कितनी मिल रही है, ऊपर से एक टीम कैमरे से पूरी टीम मॉनिटर करती रहती थी। हमको इस बात की भी चिंता थी कि बच्चा दिव्यांग था, हो सकता है मशीनों की भारी आवाज़ से वो चिढ़ जाए, इस बात को भी हम लोग लगातार देख रहे थे, तो उसके एक्सप्रेशन को भी लगातार देख रहे थे। रात में एक बार हमारे सामने ऐसा हुआ भी, हमको लगा कि बच्चा मशीनों की आवाज़ से पीड़ित हो रहा है, बार बार अपने सर को बार इस तरीके से हिला रहा था, तो हमने मशीनों को रुकवा दिया, लगभग 10 मिनट मशीनें शांत रहीं, जब उसके बाद फिर बच्चे की हरकत शांत हो गई, फिर हमने चालू कराया। अच्छा यह था कि बच्चे ने दोबारा वैसे एक्सप्रेशन नहीं दिए, तो इस चीज़ों को मतलब हमें हर चीज़ों को माइंडफुली ऑब्जर्व कर रहे थे। साथ ही साथ बीच बीच में हम डॉक्टर को बुलाते थे, डॉक्टर आता था, तो जैसा आप सब जानते हैं कि हर एक ब्रीदिंग रेट होती है, एक मिनट में आदमी कितनी सांस लेता है, वयस्क की अलग होती है, बच्चों की अलग होती है, तो डॉक्टर आके मिनट वाइज इन सांस को काउंट करता था, तो लगता था कि नहीं ब्रीदिंग सही चल रही है, और अभी जो है घबराने की बात नहीं आई है। तो उसको देख के हम लोगों को जो विश्वास था कि अगर हम जो है खुदाई
जो है ज़बरदस्त करते रहेंगे तो बच्चा हमको मिल जाएगा। और जब डॉक्टर बोल दिया कि भाई ब्रीदिंग घबरा चल रही है, अभी बच्चा जो है हमारी बच्चे की ब्रीदिंग कंट्रोल में है, तो हमको जो है हमारी टीम और ज़्यादा जोश से लगी हुई थी, इससे पहले कि जो है उसकी सांसें घटनी बढ़नी चालू हों हम जल्दी से जल्दी उसको निकाल लें। इन सब के दौरान जो बड़े चैलेंज आए हमारे, जैसा मैंने कहा बच्चा वर्टिकली हम उसको बोर्ड से निकाल नहीं पा रहे थे, वहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, उसका लगातार जो है वहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही थी, मीडिया के लोग भी वहाँ पे हर समय हमसे जानने की कोशिश कर रहे थे अपडेट्स के लिए। लेकिन जो टनल बना रहे थे, जैसा मैंने कहा जब सामने चट्टान आ गई टूटती नहीं थी वो, आप अगर किसी ओपन सर्फेस पर रख के चट्टान को तोड़ते तो उसको चारों तरफ से खाली एरिया मिलता है, जो आप प्रेशर डालते हो चट्टान ब्रेक होकर क्रैक होकर टूट के गिर जाती है, यही सिस्टम काम करता है। वहाँ पे चट्टान चारों तरफ से दबी हुई थी, हर तरफ से मिट्टी पत्थर एकदम सपोर्ट थे उसको दबी हुई थी, तो अगर हम उस पर क्रेक मार भी देते थे ना तो टूट के नहीं गिरती थी। फिर हमने क्या किया कि हमने जो वैगन कैरियर के हमने 3-3 इंच के होल बनाए, उसमें होल बनाते थे, आप लोगों ने देखा होगा कई गोले गोले होल दिखते हैं फोटो में टनल में, उस होल को बनाते थे। फिर उस होल को जो रॉक ब्रेकर था, दूसरा जो इक्विपमेंट था 52 kg का इक्विपमेंट, जो हम लोगों को हाथ पे उठा के चलाना पड़ता था, वो इक्विपमेंट एक्चुअली बनाया गया है कि जमीन के सरफेस पे रख के जो कंक्रीट स्लैब होते हैं उनको तोड़ने के लिए, ऊपर रख देते थे हाथ से सपोर्ट देते हैं वो तोड़ता है। लेकिन अब चूंकि वहाँ पे तो ऐसा हम तोड़ना नहीं था, हमको तो इस तरीके से तोड़ना था ना, हॉरिजॉन्टल जाना था, तो उस पूरे इक्विपमेंट को 52 kg को हमको अपने हाथों पे उठा के चलाना पड़ता था। साथ ही साथ जो उसके पूरे वाइब्रेशन थे, इतना वाइब्रेशन उसमें होता था कि सामने पत्थर को तोड़ता था, उस पूरे वाइब्रेशन को हम लोगों को हमारे कंधों पर झेलना पड़ता था। कई बार जो है कंधों पे वो हाथों से संभलता नहीं था, तो हम लोग जो है क्या करते थे, लकड़ियाँ लगा के उसके चिसिल को सेट करते थे, पीछे से एक आदमी जो है अपने पीठ से सपोर्ट देता था, अगर जगह मिलती थी तो पैर से सपोर्ट उसको प्रेस करता था, तीसरा बंदा उसको वहाँ होल्ड कराता था कि खिसकने न पाए, खिसकने से प्रेशर जो मशीन तो चलती रहेगी लेकिन वो प्रेशर उस पर हिट नहीं करेगी, उस प्रेशर को मेंटेन कराना पड़ता था। ये चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे थे जो बहुत बड़े थे। इससे भी बड़ी बात हो रही थी जब जैसे जैसे टनल में अंदर जा रहे थे ना, हम 18 फीट हमको खुदाई करनी पड़ी, क्योंकि हमने जो है गड्ढा खोदना 10 फीट पर चालू किया था, लेकिन आप लोग जानते हैं जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना तो लगातार हम जो है एक बेस बनता जाता है, मशीनों की अपनी एक क्षमता होती है, जैसी भी हमेशा मिट्टी ऐसे उठा के मुड़ जाती है, तो जैसे मुड़ती थी ना हर बार वो 1-2 इंच आगे बढ़ जाती थी, तो वो 1-2 इंच आगे बढ़ते बढ़ते नीचे 18 फीट तक बढ़ चुकी थी। अब हमको टनल 18 फीट खोदनी पड़ी, और जब 5 फीट अंदर हम लोग 6 फीट अंदर चले गए तो इतनी ह्यूमिडिटी, अब वो लेवल ही वही था जहाँ से पानी निकलता था, तो कीचड़ पानी मिट्टी भरे रहते थे, मतलब कीचड़ से मतलब एकदम खूब अच्छा हम लोगों का वो हो गया था वास्ता। कई बार वो कीचड़ में से बदबू आती रहती थी, वहाँ क्लोज में फंसा हुआ है कीचड़, तो पत्थरों में कैविटी बनी रहती थी, पानी टपकने से पत्थर टूट गया है वहाँ कैविटी बन गई, उसमें मिट्टी आ गई है, उसमें जो है जब जो मिट्टी आती थी वो बदबूदार मिट्टी आती थी, तो वो भी समस्याएँ थी। सबसे जो और प्रॉब्लम आ रही थी कि एयर जो है टनल में कम जाती थी, वहाँ पर क्या होता था कि अंदर हवा कम जाती थी, तो हवा हम लोगों को सांस लेने के लिए हवा कम मिलती थी, वो जब हवा कम होती थी तो सांस जब हमारी जो हम लोगों को कम मिलती थी तो हमको परेशानी आती थी। बच्चे को तो हमने ऑक्सीजन पाइप दे रखी थी, उसको ऑक्सीजन मिल रही थी, लेकिन जो टनल में वहाँ पे ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे थे तो हमको उस परेशानी आती थी सांस लेने में। लेकिन उन सब चुनौतियों के बावजूद हमारा पूरा फोकस था बच्चे को सुरक्षित निकालने में, हम बच्चे को निकालने में लगे रहे। अभी हम इन चीज़ों को याद आ रहा है, हाँ वहाँ पर हमको इस तरह के कीचड़ भी मिले थे, उस समय हमको वो कुछ नहीं, हमको कीचड़ मिलता था तो हम खुश हो जाते थे, थोड़ा मिला मिट्टी मिल गई है। 18 फीट की टनल में आप लोग मतलब हमने लगभग 15 फीट हमने पत्थर काटे हैं, और बाहर जो है हम इसीलिए जो है आप लोगों का जो रहता था सवाल कि कितना समय लगेगा, हम टाइम नहीं दे पा रहे थे, कुछ उसमें पत्थर ऐसे थे जो 2 घंटे में कट जाते थे, कुछ पत्थर ऐसे थे 4-4 घंटे लगे हमको उसको तोड़ने में, लगातार हम उसको तोड़ते रहे। और जो बड़ी मशीन चलती थी, जो वैगन करियर चलता था, वो क्या उसका सिस्टम होता था, वो ड्रिल करते हुए एक डस्ट पाउडर का डस्ट बना देती है, चट्टान रहती ना उसको तोड़ तोड़ के डस्ट बना के उड़ाती है। जैसे आपने देखा कि बोरवेल होता है तो पानी डाल के मिट्टी जो टूटी लूज मिट्टी है उसको ऊपर उठाते हैं, अब वो मशीन क्या है कि जो पत्थर उसने तोड़ा है उसको बाहर निकालने के लिए वहाँ एयर प्रेशर देती है, तो पत्थर उड़ के ऊपर आता है पाउडर जैसा, तो टनल में पूरा पाउडर भर जाता था, एकदम पत्थर का जो है पाउडर भर जाता था चारों तरफ, दिखता कुछ नहीं था, आँखों में जलन होने लगती थी, सांस में मतलब पूरे नाक भर जाते थे, गलों में खराश आने लगती थी, क्योंकि पूरा पाउडर भर जाता था। ये सब वहाँ पे हम लोगों को बड़े चैलेंजेस मिल रहे थे और लगातार देखिए हर ऑपरेशन यूनिक होता है अपने आप में। जैसा मैंने बताया कि केविटी पहली बार हमको मिली, बोरवेल में नीचे जाके केविटी हमको पहली बार मिली। दूसरी बात जो है, अब मिट्टी अगर होती है तो उसकी अपनी स्टाइल होती है, उड़ीसा की मिट्टी अलग तरह की है, छत्तीसगढ़ की मिट्टी अलग तरह की है, राजस्थान की मिट्टी दूसरे तरह की है,
जगह जब हम जाते हैं तो वहाँ की सिचुएशन को देख के ही हम एसेस कर पाते हैं कैसे हम कर पाएंगे। हाँ, इसमें जो है जो भावी मशीन हमने डिप्लॉयड की उसमें जो है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी कि केसिंग नहीं डाल रखी थी। अगर केसिंग उसमें पाइप डाल रखी होती बोरवेल में तो बोरवेल में अगल बगल से जो कंकड़ पत्थर मिट्टी गिरने की संभावना थी वो न रहती, तो हम इसको और जल्दी कर सकते थे। सर, ये मेंटली फिट नहीं था, ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ क्या आपको? हाँ, चैलेंजिंग हो गया। चैलेंजिंग हुई, मैंने बताया कि शुरू में जब बच्चे के हाथ नहीं उठते थे गर्दन के ऊपर, तो हम जो हार्नेस डाल रहे थे बच्चे को निकालने के लिए, जो इक्विपमेंट अप्लाई कर रहे थे वो नहीं अप्लाई कर पा रहे थे। दूसरी बात, एक और इसमें कई बार बच्चा बीच में फंसा होता है, कई बार क्या होता है बोरवेल 70 फीट का है, बच्चा कहीं 30 में फंसा हुआ है, तो बच्चे के नीचे भी जगह होती है। इसमें बच्चे के नीचे जगह नहीं थी, तो बच्चे के नीचे जगह नहीं थी तो हमारे जो कुछ इक्विपमेंट थे जिसको हम बच्चे के नीचे तक डाल के उस पर उसको उसमें स्प्रिंग से रखते हैं कि वो पहले नीचे जाएगा, नीचे जा किस तरीके से बंद रहेगा ऐसे खुल जाएगा, तो इस पर बच्चे को खड़ा कर लेते हैं, उसको उठा लेते हैं। तो बच्चा वहीं बैठा ही था, उसी सरफेस पे ही था, तो ये जो हमारे इस टाइप के इक्विपमेंट थे जो उसके पैरों पे हम लोग खड़ा करके उठाते थे वो भी नहीं लगा पा रहे थे, और भी जो हमारे इस तरीके के तरीके थे। और तो क्या होता था कि अच्छा जैसे बच्चा हमारी बात माने तो उसमें हम कुछ कर सकते, बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा था। जब हम उसको फ्रूटी देते थे तो हाथ बढ़ा के ले लेता था, केला देते थे तो हाथ बढ़ा के ले लेता था। जब हम उसको कोई हाथ में फंसाने वाला, बॉडी में फंसाने वाला कोई इक्विपमेंट भेजते थे ना तो टनल कैविटी में जाके छिप जाता था, ये समस्या आ रही थी वहाँ पे। वहाँ पे जिला प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ था, जिला प्रशासन हमको पूरी तरीके से सहयोग था, जो भी बड़ी मशीनरी प्रोवाइड कराई थी उनका, उन्होंने वहाँ पे तुरंत हमको उपलब्ध कराई। और जब भी चूँकि ऑपरेशन जो है वहाँ पे सब कुछ सब एक टीम थी, पूरी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, SDRF, NDRF ये मिल के कर रहे थे, तो वो लोग हम लोग साथ में डिसीजन बैठ के पहले सारे पॉइंट्स को कैलकुलेट करते थे, सोचते थे कि कितना हो सकता है। सांप एक्चुअली हम लोगों को जो है बहुत पहले ही पता चल गया था, हम तो वीडियो कैमरा लगा के देख रहे थे, हम तो उसकी ब्रीदिंग तक मूवमेंट देख रहे थे, तो सांप भी हमको दिख रहा था, लेकिन हम इस चीज़ों को जो है हम लोग जो है नहीं चाह रहे थे कि बाहर जाए पैनिक हो। और सांप हमको हाँ कई बार उसके आसपास भी घूमते हुए दिखा, कई बार जी हाँ हाँ। बहुत सारे डिफरेंसेस थे, जो प्रिंस का ऑपरेशन था वहाँ पे मिट्टी थी, मिट्टी बहुत मुलायम थी इसलिए उसको काटना ईजी था। दूसरा क्या था, प्रिंस जो है बोरवेल में ही था, टनल कैविटी में नहीं गया हुआ था, आप समझ रहे हैं ना। तीसरी बात क्या थी कि जो है वो बच्चा सामान्य था, ये मेंटली रिटार्डेड बच्चा था। हमने कैमरा डाल रखा था, एक्चुअली हमने कैमरा लगा रखा था, जो बच्चे के विजुअल्स आप लोगों को मिले हैं, हमने कैमरा लगा रखा था वहाँ पे नीचे, उसके थ्रू हम बच्चे को देखते रहते थे, तभी हमको पता चला कि नीचे सांप है, नीचे कैविटी है, और जो है ये जो आप बताएं ब्रीदिंग, तो हम बच्चे के जो है बच्चे के पास कैमरा ले जाके उसके जो एब्डोमेन थे ना उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करते थे, तो समझ में आ जाता था। सर, सब करने के बाद भी एक दूरी थी रेस्क्यू टीम और बच्चे के अंदर, जब ये कैसे आप ये दूरी को कैसे मिटाया, और जब इसको रेस्क्यू किया उसका पहला रेस्पॉन्ड क्या था? मेन हमने लास्ट में भी जो है ना जब बच्चे के पास पहुंच गए थे ना, एक बड़ी सी चट्टान जो थी वो पूरा उसने हमारा रास्ता रोक रखा था। देखिए, बच्चा कोई ऐसी छोटी चीज़ था नहीं कि हम ऐसे हाथ डाल के उठा लें, ठीक है, एक 10 साल का बच्चा था, उसको उठाने में ये भी ध्यान रखना था कि इसको और चोट ना आने पाए, और उसको खींचने ऐसा नहीं था, कोई बोरी नहीं था कि हम रस्सी बांध कैसे खींच लें, ठीक है। तो जब हम उसके पास एक बड़ी सी चट्टान थी, पहले तो हमको इतनी जगह बनानी थी कि बच्चा उस बच्चे को 8 इंच के बोर हेल से उठा के आपको टनल में टर्न कराना था। अब बच्चा कोई रबड़ का खिलौना नहीं था कि आप कहीं से भी उसको मोड़ते चले जाइए। तो हमने क्या किया कि पहले हमने उस चट्टान को हटाना, सबसे बड़ी समस्या थी बड़ी मोटी चट्टान थी, आप लोग मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वीडियो उसके, तो वो नीचे न गिरने पाया। तो हमने पहले बोरवेल को पूरा पैक किया, ठीक है, बोरवेल को पूरा पैक किया हमने, उसमें हमने बोरी लगा के उसको पूरा बंद करके टाइट करके उसकी रस्सी अलग से रखी ताकि कुछ नीचे न गिरने पाए। अब बड़ा हैमर अब नहीं मार सकते थे, हमको बड़े हैमर चलाने में पहले भी डर था, अब तो बच्चा सामने दिख रहा है चट्टान है, लेकिन छोटे हैमर से चट्टान टूटने वाली नहीं थी। लेकिन जो है हमने उसमें पूरी मिट्टी साफ की, हम उसमें क्रैक ढूंढ रहे थे कहीं हमको एक छोटा सा क्रैक मिल जाए तो हम उस क्रैक्स को बड़ा करके उठा लेते हैं। तो हमको वहाँ पे क्रैक मिला, जो एक छोटा सा क्रैक मिला, उसमें हमने चिसिल डाल के जगह बनाई, चिसिल को उठाया, सबसे डिसियस जो मूवमेंट रहा डिसाइसिव मूवमेंट, जब हमने चिसिल को उठा तो दिया, रस्सी उसके नीचे डालनी थी ताकि पत्थर को बांध सके, अगर पत्थर खिसक के जाने न पाए नीचे,
तो हमने जब उसमें ये बैठे हुए थे इन लोगों ने उसमें उसके नीचे हाथ डाल के पीछे से पकड़ना, जरा सा भी चिसल खिसक जाती तो लगभग जो है 80-90 केजी का एक पत्थर हमारे हाथ पे होता। लेकिन जो है वो जॉब्स के चैलेंजेस थे, उससे हमको कोई डर नहीं था, हम तैयार थे। नहीं, उम्मीद एक्चुअली क्या था, हमारे पास सारे टेक्निकल डाटा थे, टेक्निकल हमको पता था हमको कितना जाना है कितना करना है, तो वो चीज़ तो हमारे पास थी, तो इसलिए हम जो है नाउम्मीद नहीं हो रहे थे। हमको केवल चिंता रहती थी समय की। पत्थर जब आ जाता था, जैसे कई कई बार तक 4 फीट पत्थर हमने काट दिया तो 1-8 फीट मिट्टी मिल जाती थी, तो 1 फीट मिट्टी मिलते ही हमारी टीम एकदम जो है ना खुश हो जाती थी, धड़ाधड़ खोद के निकाल देती थी, फिर देखे फिर पत्थर आ गया। तो जैसे जब क्या होता था ना, 4 फीट पत्थर काट दिए फिर 1 फीट मिट्टी आई तो खुश होते थे, फिर पत्थर जाता था तो डिमोरलाइज, तो दुखी हो जाते थे कि मतलब फिर हमको दुखी इस बात का नहीं होता था कि हम टारगेट नहीं हम तोड़ नहीं पाएंगे, हमको दुखी इस बात का होता था इसे तोड़ने में समय लगेगा और वो समय उतना समय उस बच्चे पे भारी पड़ रहा है। ये बच्चे का ऊपर जो है, ये बच्चा अपने आप में जो है बहुत ही जीवट, भगवान की उसके ऊपर कृपा थी, ईश्वरी कृपा थी, बच्चा उस हाल में जिंदा रहा। लास्ट में हमने जब टनल को जो है उसके बोरवेल से कनेक्ट किया तो हमने भी एहसास किया कि वहाँ के हालात कैसे थे, सांस लेने में कितनी समस्याएं थी, वो चीज़ हमने देखा। निश्चित तौर पे जो है ये बच्चा ब्लेस्ड बच्चा है, हम दिव्यांग है, तो वास्तव में जो है ना ईश्वर ने उसको कुछ अगर कम दिया है तो कुछ ज़्यादा दिया हुआ है, मेरा मानना है। हाँ है, निश्चित रूप से बगैर जगह है जगन्नाथ कृपा तो नहीं होने वाला था।